कर रहे हैं, बड़ी खबर जो दिल्ली से हमें मिल रही है। सड़क पर बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आई है देश की राजधानी में। ये तस्वीर दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके की है, जहां एक युवती को कार से घसीटा गया और उसके साथ बदसलूकी की गई। युवती की माने तो उसकी कैब बुक थी और इस दौरान पीछे से आ रही एक कार चालक ट्रैफिक की वजह से उसकी कैब के साथ कैब ड्राइवर के साथ गाली गलौज करने लगे। युवती ने जब बदतमीजी कर रहे कार चालक को समझाने की कोशिश की तो वो उल्टा युवती से उलझ गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं, तेजी से गाड़ी उसने आगे बढ़ा दी, जिससे काफी दूर तक युवती घसीटती चली गई। जो फुटेज है इस पूरी घटना का, वो भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और जिसने भी ये तस्वीरें देखी, ये बेहद चौंकाने वाली एक घटना देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। रोड रेज का ये मामला, और इस स्तर तक ये मामला जा पहुंचा कि गाड़ी आगे बढ़ा दी गई और युवती घिसटती हुई इस गाड़ी के साथ आगे बढ़ी। ये तस्वीरें इसलिए चौंकाती है क्योंकि सड़क से जब आप गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उस दौरान इस तरह की घटना आपकी जान पर कितना बड़ा संकट है, उस तरफ ये घटना इशारा करती है। हालांकि अभी आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। मामूली कहा सुनी इस स्तर तक जा पहुंची कि इस युवती की जिंदगी पर संकट करीब करीब तय था। हमारे साथ पूजा रानी इस वक्त मौजूद है, और पहले मैं कुछ जो चोट के विजिबल निशान है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, इनकी कोहनी पर, इनके यहाँ पर शोल्डर पर, इनके चेहरे पर भी, आंखों के नीचे आपको ये चोट के निशान इस वक्त जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। पूजा से हम बात करते हैं। पूजा, ये बताइए कि जब आप अपनी शिकायत लेकर पहुंची हैं कि आपके साथ वहाँ मारपीट सड़क पे हुई, तो फिर वहाँ पुलिस वालों ने क्या सलूक किया? सर, आपने वो वीडियो के थ्रू देखा होगा कि मेरी डेथ भी हो सकती थी, फॉर गॉड ब्लेस कि मैं हुआ नहीं। उसके बाद सर क्या हुआ, पीसीआर वाले जो लड़का को उसने पकड़ा था, जो लोगों ने, दूसरा तो भाग गया बलिनो वाला, उसको कालकाजी पुलिस स्टेशन लेके गए। तो जब मैं वहाँ पहुंची, मैं कहाँ जाऊँ, मैंने कभी थाना वगैरह से नहीं देखा, मैं अपनी पर्सनल उबर में थी। वहाँ पे एक लंबा सा 6 फुट का मेल कांस्टेबल बाहर खड़ा था, आई डोंट नो सर थे क्या थे वो। उनको मैंने बोला कि सर देखो मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी जाट लैंग्वेज में इंस्टेड ऑफ ये पूछने के लिए पानी पी लो मैडम, आप थोड़ा कह रहे वो साइड में खड़ी हो जा, पहले तू भी देख ले, मर जाएगी जाके हॉस्पिटल। मैंने कहा पहली मेरी बात सुनो, आप मेरे से तू करके बात मत करो। अगर मेरा फिर मुझे बोल रहा है, बाहर कैमरे लगे होते, रिकॉर्ड होगा, फुटेज नहीं दे रहे वो, कि तू मुझे सिखाए कि बात कैसे करनी है, तेरे को पता है कौन हूँ मैं? मैंने कहा कौन हूँ, इंसान हूँ मैं भी, इंसान हूँ, जो मर्जी हो, मैं क्योंकि गलत सहती नहीं हूँ। उसके बाद एक फीमेल कांस्टेबल बाहर है, उनका नाम ममता है, फोटोज आपके पास शेयर हो जाएगी, मैं कर दूंगी सर को। वो आई बाहर, मैंने उनको बोला देखो मैं आपकी बहन जैसी हूँ दीदी, देखो मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे कि 1:30 बजे रात को तू निकली है तो तेरे साथ यही होगा ना। मैंने कहा ये ऐसे ही लोग होते हैं, जब इंडिया में रेप हो जाता है किसी का तो लड़की की गलती बोली जाती है, जबकि नहीं होती है, बहुत बहुत केसेस में नहीं होती है, लेकिन ऐसा बोला। फिर मेरे मुंह से एक वर्ड निकला, कितने हरामखोर लोग हो गए हैं सर इस बात पे। दो मेल कांस्टेबल में 6-6 फुट के लंबे चौड़े, और ये फीमेल कांस्टेबल और दो ड्राइवर्स भी थे, आप उनका गवाह ले सकते हैं। मुझे कैबिन में लेके, जहाँ कैमरा नहीं था रिसेप्शन के साथ में, ये कालकाजी पुलिस स्टेशन में, मुझे 1.5 घंटे तक लात घूसों से गंदी तरह मारा। आप देखेंगे ये लगी है मुझे रोड पे, ये लगी और ये सारे निशान, और भी बहुत, अभी थोड़ा हील हो गया। 1.5 घंटे तक कंटिन्यूसली मारते रहे। और सर मैं आई वॉज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, मैं 2 साल से स्टेबल हो रही, 1 साल से मैंने दोबारा अपनी लाइफ, जिंदगी नई शुरुआत की है। मेरे सर पे मेरे यहाँ पे बस मारते गए। और मैंने ये भी बोला कि मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दो, आप पूरी कॉल डिटेल निकलवा लेना, मेरे पेरेंट्स को कोई कॉल नहीं गया। और इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग मी, उन्होंने मुझे ड्राइवर के साथ भेज दिया। आप ये सोचो कि उनके मन में ये भी आ सकता था कि पुलिस वालों ने ऐसा किया तो हम भी कर देते, कौन देख रहा है। लेकिन सर वो लोग सही थे जो मेरा सपोर्ट कर दिया, मैं अपने घर पहुंच गई। और मैंने सुबह 4 बजे अपनी मॉम को फोन किया कि मॉम मैं सुसाइड कर रही हूँ, रोते फोन किया, आप कॉल डिटेल निकलवा लेना, कि मॉम मेरा वैसे अपनी जिंदगी से इतनी हताश होकर मैं निकली हुई हूँ। क्योंकि सर मैं 14 इयर्स की शाहरुख सर का शो कर चुकी हूँ, रियलिटी टीवी शो कर चुकी हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया से 24 गर्ल्स सेलेक्टेड थी, नाइट्स एंड एंजल, शाहरुख सर मुझे जानते होंगे।
उसके बाद जाके मैं पढ़ाई टेंथ के बाद नहीं कर पाई, मैं अर्निंग करने लगी छोटी सी उम्र में, प्रेशर की वजह से मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। रोहित वर्मा सर है एम्स में, आप उनसे जाके पूछ सकते हो, वो मुझे बोलते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हुई हो। तो मैंने मॉम को बोला था कि मॉम मैं मर जाती हूँ, देखो आप कितने भी अच्छे हो ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं है, ऐसा हो रहा है। क्रिमिनल कौन है, आप हो, आपकी अच्छाई है या आपकी बुराई है, कुछ लोग है। तो मैं बोल इसलिए रही हूँ कोई फेमस किसी चीज के लिए नहीं, कि जो हो रहा है ये बहुत लोगों के साथ होता होगा, शायद कितने लोगों की आवाज दब गई। और लड़कियों के साथ तो मेरी जान चली जाती, बॉडी फेंक देते, किसी को क्या पता चल रहा था। तो लड़की के आरोप बेहद गंभीर हैं। इस बीच तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मोहित ओम इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, जब ये वीडियो देखते हैं, विचलित कर देने वाला ये वीडियो है, देश की राजधानी दिल्ली में घटा। इस लड़की की जान भी जा सकती थी, लेकिन उससे भी बड़े आरोप तो उसने पुलिस के ऊपर लगाए हैं कि किस तरह की बदसलूकी उसके साथ हुई। लड़की का पक्ष हमने दिखाया, क्या पुलिस की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक दिया गया है, हुआ क्या पुलिस स्टेशन में? मीनाक्षी, मैं पहले पूरा इंसिडेंट समझाता हूँ क्या हुआ था। ये लड़की हौज खास विलेज से निकली थी 29 अप्रैल की रात को, और जब ये ओखला विहार इलाके में पहुंचती हैं तो वहाँ पे दो गाड़ी वालों का आपस में झगड़ा हो रहा था। एक गाड़ी स्कॉर्पियो थी, एक बैलेनो थी, और वो झगड़ा होते होते इनकी कैब तक पहुंच गई, अपनी प्राइवेट कैब में बैठी हुई थी। और जो बैलेनो का ड्राइवर था वो इनके ड्राइवर से बदतमीजी करने लगा, उसके बीच लड़की ने बीच बचाव किया तो उसने लड़की के साथ हाथापाई की, और जब लड़की उसको पकड़ने के लिए उसकी गाड़ी में गई तो धक्का मार के वहां से निकल गया। जो वीडियो हमारे सामने आ रही है, जो विचलित करने वाली वीडियो है, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अमर कॉलोनी थाने में कंप्लेंट दर्ज करी है, और एक युद्धवीर सिंह नाम के लड़के को फरीदाबाद से गिरफ्तार क्या उसकी गाड़ी भी सीज कर ली है। लेकिन जिस तरीके से इस महिला आरोप लगा रही है कि वो जब कालकाजी थाने गई वहां पे पुलिस वालों उनके साथ मारपीट करी, और तीन पुलिस वालों को इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया है, उन तीनों को सस्पेंड किया गया है। अब उनके बारे में भी विभाग की कार्रवाई चल रही है, और लड़की के जो बयान है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और इस मामले में एफआईआर भी कालकाजी थाने में दर्ज की गई है। तो इस मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है, एक पुलिस वालों के खिलाफ जिसमें पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं, और एक उस शख्स के खिलाफ जो उस महिला को गाड़ी से धक्का मार के गया था उसको गिरफ्तार भी किया गया, उसकी गाड़ी भी सीज की गई है, और वो एफआईआर अमर कॉलोनी थाने में दर्ज की गई है। जी मीनाक्षी जी, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि जो कुछ भी घटा इस युवती के साथ। हालांकि मोहित इस वक्त बता भी रहे हैं कि घटना एग्जैक्टली क्या थी, लेकिन मोहित अभी तक आरोपियों को लेकर क्या स्टेटस है? देखिए, जो लड़की को धक्का मार के भागे थे ड्राइवर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, उदयवीर सिंह नाम है, 25 साल का ये युवक है, और इसने पुलिस को बताया है कि उस दिन कैसे झगड़ा हुआ था, कि उनका झगड़ा किसी और गाड़ी वाले से हो रहा था। इनकी जो कैब थी, कैब ड्राइवर लगातार पीछे हॉर्न मार रहा था कि रास्ता क्लियर कीजिए, उससे इरिटेट होकर वो जो बैलेनो ड्राइवर थे वो यहां पर आए हैं, जिसका नाम उदयवीर सिंह है, और बैलेनो ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगे। जब लड़की ने बीच बचाव किया तो इनको भी धक्का मार के वो वहां से फरार हो गए, जिसमें लड़की को चोटें भी आई हैं। और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया, और उसी रात को उदयवीर को फरीदाबाद से गिरफ्तार क्या, उनकी गाड़ी भी सीज की गई। लेकिन जब लड़की थाने पहुंची कालकाजी अपनी कंप्लेंट लिखवाने की, क्योंकि पुलिस उनका कहना है कि पीसीआर उस लड़के को अभी कालकाजी थाने लेके पहुंची थी, तो वहां पर जो पुलिस कर्मियों ने मिसबिहेव किया लड़की के साथ, उस पे तीन पुलिस वालों को सस्पेंड किया, जिसमें महिला कांस्टेबल ममता भी है। जी, मैं लौटती हूं।